मध्य प्रदेश के हरदा जिले की खिड़कियां के नगर परिषद क्षेत्र में रमेश पिता पूनम चंद बाफना द्वारा खसरा नंबर 470/10 भूखंड पर अविकसित कॉलोनी बनाकर करोड़ों रुपए के प्लॉट बेच दिए गए और कॉलोनाइजर ने स्वीकृत अभिन्यास अनुसार कॉलोनी में किसी प्रकार का भी विकास कार्य नहीं किया है और जो भी निर्माण कार्य किया गया है वो लाखों रुपए खर्च कर नगर परिषद ने किया है। एक और जहां कॉलोनाइजर ने कॉलोनी को विकसित बताकर एक आपराधिक कृत्य भी किया है जिसमें गोलमाल तरीके से कॉलोनी को नगर परिषद के हैंडओवर कर दिया गया और दूसरी ओर बंधक प्लॉटों को नियम विरुद्ध छुड़ा लिया गया जहां नगर परिषद ने इन सब कमियों का और स्वीकृत अभिन्यास से छेड़छाड़ सहित जाँच रिपोर्ट तैयार कर प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी को प्रेषित किया गया। इसमें SDM ने कॉलोनी में रोड की लंबाई कम पाई गई, साथ ही स्वीकृत अभिन्यास सहित अन्य कमियां भी पाई गई हैं, जिसके चलते नगर परिषद CMO को FIR करने के आदेश भी दिए गए हैं। प्रतिवेदन हम गए थे, हमने बना के भेज दिया वरिष्ठ अधिकारी को, SDM साहब को। उसमें एक तो प्रॉपर रोड नहीं थी और सबसे बड़ी जो मैंने देखा वहां पर कि जो मेन रोड थी उसकी अनुमोदित अभिन्यास में थी 30 फीट, वो मौके पर मिली हमको 22-24 फीट। वहाँ पे आज की डेट में इतना कंजेस्टेड हो रहा है, आगे आने वाले और समय में जब जनसंख्या में वृद्धि हो जाएगी, वाहन में वृद्धि हो जाएगी, तो वहाँ तो चलना दूभर हो जाएगी। ये तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा अपराध है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।